फाइनली दोस्तों, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। यानी कि किस तरीके से आप यहाँ पर घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन करते समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, यानी कि आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होने वाली है रजिस्ट्रेशन करते समय, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह अपडेट मिलती रहे। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन कहां से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जैसे आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार यहां पर जो है अभ्यर्थी पंजीकरण के लिए आवश्यक निर्देश इस तरीके से देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। तो यहां पर आपको सबसे पहला जो यहां पर लगने वाला है वो इस योजना में पंजीकरण करने के लिए समग्र आईडी अनिवार्य है, यानी कि आपका समग्र पोर्टल पर आपका समग्र आईडी होना चाहिए, वो आपको यहां पर जो लगेगा। उनके बाद यहां पर आपका समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल और ईमेल भी आपका उपलब्ध होना चाहिए, जिनमें आपको ओटीपी भेजा जाता है। साथ ही दोस्तों, आप अपना आधार ई केवाईसी भी जरूर कर लेंगे, यानी कि उसी पोर्टल पर जिनमें आपका अपना पर जो आधार डाटा वो यहां पर बायोमेट्रिक तरीके से मैच हो जाता है। उनके बाद दोस्तों, अगर आप चाहे तो इनका ई केवाईसी का अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इस वाले वेबसाइट पर जाकर के आप यहां पर जो चेक कर सकते हैं, जो कि 24 घंटे अवेलेबल रहती है। उनका दोस्तों, आप कहां पर जैसे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, उनसे आपको लॉगिन करने के बाद फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट में जैसे कि आप कहां पर 12वीं का मार्कशीट हो सकता है या आपने इसके अलावा पढ़ाई किया आईटीआई डिप्लोमा जो भी आपने किया, उनका आपको एक सॉफ्ट कॉपी यानी कि आपका जो उनका जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, वो भी आपको लगेगा, जिनकी साइज यहां पर बताई गई कि 500 केबी की आपको होनी चाहिए। बैंक खाता आप कहां पर नहीं लगता है, आप सोचेंगे कि पैसा कहां मिलेगा, तो यहां पर देखिए बैंक खाता आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए, यानी कि जो भी आपका आधार कार्ड है उनमें जो भी बैंक खाता आपका डीबीटी से लिंक होगा उन्हीं में आपको स्टेपमेंट यानी कि उनका जो पैसा वो आपको उसी वाले बैंक खाते में मिलेगा। आप सभी डिटेल को पढ़ लेंगे तो यहां पर भी आपको युवा का जो पात्र है वो भी यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि आयु यहां पर 18 से 29 वर्ष होना चाहिए और यहां का स्थानीय निवासी होना चाहिए, यहां पर आपको 12वीं उनके आगे यहां पर पढ़ चुके तो वो यहां पर उच्च हो। तो इन सभी को पढ़ने के बाद आपको क्या करना, इस वाले ऑप्शन पर आपको टिकआउट कर देना, यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन पर टिकआउट करेंगे। उनके बाद आगे बढ़े इस वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर जो क्लिक कर देना है। तीसरे स्टेप में दोस्तों, आपका जो भी समग्र आईडी होगा वो आप अपने यहां पर समग्र आईडी यहां पर फिलअप करेंगे। उनके बाद आपको कैप्चा फिलअप करना है, यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। उनके बाद सत्यापित करें इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा उनमें आपको ओटीपी भेजा जाएगा, तो यहां पर आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि आप यहां पर ओटीपी किस में प्राप्त करना चाहते हैं, तो एसएमएस के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट करना, व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपके एसएमएस के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से ओटीपी भेजा गया है वो ओटीपी आपको इस वाले बॉक्स में आपको फिलअप कर देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सत्यापित करें और विवरण प्राप्त करें इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आवेदक का यहां पर जो पूरा डिटेल ऑटोमेटिक आपके यहां पर खुल करके आ जाएगा, जैसे कि अभ्यर्थी का क्या नाम है, जन्म तिथि, लिंग, आयु, पिता का नाम, जिला, ये सारा कुछ आपको पहले से ही देखने को मिल जाएगा। अगर आपके यहां पर कुछ डिटेल मिसिंग लगता है तो यहां पर आप पिता का नाम बदल सकते हैं, माता का नाम आप यहां पर एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर नीचे आएंगे तो आपके यहां पर एड्रेस डिटेल देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका क्या जोन पंचायत पड़ता है, वार्ड, गांव, पिन कोड, ये सब आपको पहले से ही देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना, इन दोनों वाले ऑप्शन को आपको यहां पर चेकआउट कर देना है कि टिकआउट कर देना है। उनके बाद यहां पर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है और यहां पर आपको अपना ईमेल आईडी यहां पर जो डाल देना है। उनके बाद ओटीपी भेजे इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके ईमेल में जो ओटीपी आएगा ओटीपी डाल करके आप यहां पर वेरीफाई कर लेंगे। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आप यहां पर ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा और नीचे देखिए ईमेल ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली इस प्रकार आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको क्या करना, इन तीनों वाले चेकबॉक्स में आपको यहां पर टिकआउट कर देना है, यानी कि आपको इस तरीके से डिक्लेरेशन दिया गया तो इन तीनों वाले ऑप्शन में आपको टिकआउट कर देना है। उनके बाद नीचे देखिए सबमिट वाला ऑप्शन दिया गया है, इन सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर सबमिट करेंगे तो यहां पर देखिए सक्सेस करके आपको देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको देखने को मिलता है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पोर्टल पर आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक किया गया, आपका उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड आपके पंजीकृत मोबाइल पर साझा किया गया है, कृपया लॉगिन करके उपरांत अपना पंजीकरण पूर्ण करें। तो आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड होगा नाम होगा वो आपके मोबाइल पर भेज दिया गया है। अब आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है या फिर दोस्तों आप इनके पोर्टल पर भी जा सकते हैं। आपको साइड में देखिए लॉगिन का
का ऑप्शन दिया गया है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपको यूजर आईडी यहां पर आपको डालना है, जो भी आपको यूजर आईडी प्राप्त हुआ होगा एसएमएस के माध्यम से वो यूजर आईडी डालेंगे, जो भी आपको पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा को फिलअप करेंगे, देन लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इनका इंटरफेस खुल करके आ जाता है। यहां पर आपको सबसे ऊपर में अभ्यर्थी का प्रोफाइल, जैसे कि अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, पिता का नाम, अभ्यर्थी का पता और यहां पर आपको फोटो, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको यहां पर शैक्षणिक का विवरण यहां पर आपको बताना है। सबसे पहले आपको यहां पर शैक्षणिक योग्यता आपको बताना है, जो भी होगा आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। कोर्स आपको बताना है कि आपने यहां पर कौन सा कोर्स किया है, स्ट्रीम आपको बताना है और यहां पर आपको विशेषज्ञता यहां पर आपको बता देना है। इसी प्रकार आपका कोई दूसरा है तो यहां पर आपको विद्यालय का नाम आपको बताना है, पूरा नाम आपको लिख देना है और इस वाले ऑप्शन में आपको शैक्षणिक का जो भी संस्थान एवं पता होगा वो आपको यहां पर डालना है। उत्तीर्ण वर्ष आपको बताना है कि आपने किस वर्ष उत्तीर्ण किया है, यहां पर आपको कितना परसेंटेज प्राप्त हुआ है वो आप यहां पर डालेंगे। उनके बाद उनका जो मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा वो आपको इस वाले बॉक्स में यहां पर देखिए ब्राउज का ऑप्शन दिया गया है, यहां पर आपको क्लिक करना है। जहां पर भी आपका होगा सर्टिफिकेट 500 केबी से कम का वो आप यहां पर अपलोड करेंगे। इनके अलावे और भी अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो जोरे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके एक एक करके सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। जैसे आप यहां पर सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे नीचे देखिए आपको इस तरीके से पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाता है और मार्कशीट देखने के लिए यहां पर आपको देखे का ऑप्शन दिया गया, यहां पर आप देख सकते हैं, और डिलीट करने के लिए यहां पर देखिए हटाए का भी ऑप्शन दिया गया है। अब उसके बाद यहां पर आपको ओजीटी का आपको डिटेल देना है, यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग का डिटेल। यहां पर आपको सबसे पहले देखिए शैक्षिक योग्यता पूछा जा रहा है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। सेक्टर आपको बताना है, इनका एक लिस्ट जारी हुआ है यानी कि कोर्स लिस्ट। अगर आप दोस्तों कोर्स लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम में डाल दिया हूं पहले से ही, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इनको डाउनलोड कर लीजिए, आपको कोर्स लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो वो कोर्स आपको सिलेक्ट करना है कि आप यहां पर कौन सा कोर्स करने वाले हैं, किस टाइप का आप यहां पर काम सीखने वाले हैं, किस सेक्टर में। तो यहां पर आपको सेक्टर सिलेक्ट करना है जो कि आपको कोर्स लिस्ट में ही देखने को मिलेगा। तो यहां पर इन्होंने ऑटोमोबाइल को सिलेक्ट किया है क्योंकि ये इसी टाइप का कोर्स करने वाले हैं, स्किल लेने वाले हैं। उनके बाद कोर्स आपको यहां पर बताना है, तो यहां पर देखिए इनका मोटर व्हीकल बॉडी इस तरीके से बिल्डर आ चुका है, तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और जोरे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे यहां पर देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप चाहे तो यहां पर देखिए सेक्टर यहां पर बताएगा कि डिप्लोमा के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तो इस तरीके से आपको यहां पर जो है कोर्स सिलेक्ट करना है। आप चाहे तो यहां पर डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहां पर इन्होंने देखिए चार चार यहां पर इस तरीके से कोर्स को सिलेक्ट किया, तो इसी तरीके से आपको अपना पर जो कोर्स स्किल आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको ओजीटी का स्थान आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले अपना राज्य सिलेक्ट करना है, जिला सिलेक्ट करना है, जोरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए इस तरीके से आपका यहां पर नाम आ जाएगा। तो यहां पर देखिए इन्होंने दो दो राज्य को सिलेक्ट किया, यानी कि जहां पर सीखेंगे, तो आप चाहे तो यहां पर दो तीन राज्य को सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं यहां पर उस जिला में जाकर के सीखूंगा, तो इस तरीके से आप डाल देंगे। डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया है। यहां पर आपसे नीचे पूछा जा रहा कार्य अनुभव, अगर आपको जो भी काम सीखने वाले हैं उस काम का अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस है तो वो आप यहां पर डाल सकते हैं, इन हैव वन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन फिटर, इस तरीके से डाला गया, आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से डाल सकते हैं। प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी है आपके पास तो आप यहां पर वो भी बता सकते हैं। उनके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पूरा फॉर्म का प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। आप यहां पर एक बार अच्छी तरीके से सभी डिटेल को जरूर चेक कर लीजिएगा कि जो भी आपने यहां पर डिटेल दिया है वो बिल्कुल सब कुछ सही है, तो आप यहां पर पूरा डिटेल आपको यहां पर चेक कर लेना है। सभी डिटेल चेक करने के बाद जैसे आप वहां पर सबमिट करेंगे तो आपके सामने यहां पर जो भी डेटा है वो यहां पर सेव हो जाता है, और उनके बाद साइड में देखेंगे तो आपको एक रिज्यूम बन जाता है। तो यहां पर आपको देखिए रिज्यूम डाउनलोड करें, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पोर्टल के द्वारा आपका एक रिज्यूम बन जाता है जिनमें आपका सारा डिटेल देखिए इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहां पर सभी डिटेल को चेक कर लेंगे। उनके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहां पर देखिए डाउनलोड रिज्यूम का ऑप्शन आता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके अपना रिज्यूमे जो है वो डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको यहां पर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के लिए हम यहां पर रजिस्ट्रेशन कहां से करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है अभी नहीं हो रहा है, लेकिन कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उनका एक प्रोसेस है वो यहां पर जारी कर दिया गया है। अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली इस वाले वेबसाइट पर आएंगे, इन थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर आपको मेनू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, उपयोगकर्ता पुस्तिका इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, प्रतिष्ठान के नीचे देखेंगे तो अभ्यर्थी, यहां पर ये वाला ऑप्शन पहले नहीं था लेकिन अब यहां पर दे दिया गया है, हो सकता है कि जल्दी यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो अभ्यर्थी किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे वो यहां पर बता दिया
दिया गया है। तो अभ्यर्थी वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आएगा, तो आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो वो यहाँ पर जो प्रोसेस को समझाया गया है। बाकी दोस्तों इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का कोई भी फिक्स डेट नहीं है, कभी भी इनके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है। पहले भी आपने पोर्टल पर देखा था कि 25 जून दिखा रहा था, फिर उनके बाद डेट को बदल करके 26 जून किया गया और अभी तक यहाँ पर जो इनका कोई भी रजिस्ट्रेशन लिंक जो है एक्टिवेट नहीं किया गया, जबकि आज यहाँ पर 28 जून हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों पता चला है कि अब यहाँ पर इनका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो हो सकता है कि अगले महीने 15 जुलाई से स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों जब भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के घंटे को दबा देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।